प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। मध्य प्रदेश के हर जिले के अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है ताकि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को इलाज मिल सके। इसलिए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और इसी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 100 बेड के मात्र शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल में जच्चा और बच्चा को हाई लेवल सर्विसेज मिल सकेंगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। खास करके जच्चा बच्चा की दृष्टि से ये बड़ी सुविधा होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस विकास कार्य के लोकार्पण का। इस नवीन चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे स्त्री रोग, शिशु रोग के सभी मरीजों के लिए उनकी समस्या का समाधान होगा। मरीजों के लिए ओपीडी कक्ष, प्रसूति कक्ष, 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरी एचडीयू, 10 बिस्तरी पीआईयू, 25 स्कूल मिलाकर के अलग अलग जांचों के साथ सभी कक्षों के साथ अत्याधुनिक सुविधा का ये जो नया एक दरवाजा खुला है। मैं शाजापुर के माननीय विधायक और सांसद जी पूरे मंच को धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके आपको बता दें, सिविल अस्पताल की वर्तमान बिल्डिंग को तोड़कर 70,000 वर्ग फीट में नए भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें अस्पताल भवन की हाइट सड़क के लेवल से ऊपर उठाकर बनाई गई है, जिसमें ड्रेनेज की समस्या नहीं होगी और साथ ही साथ इस अस्पताल में जच्चा और बच्चा को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी।